यहाँ पर नैरेटर है खुशवंत सिंह है, अपनी दादी जी के बारे में बतलाता है। दी नैरेटर्स ग्रैंड मदर, जो वर्णन करता है उसकी दादी जी कैसी थी, ओल्ड थी एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब है झुर्रियां पड़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई थी फॉर 20 ईयर्स। पिछले 20 वर्ष से, जैसा कि वह उसे जानता था, ये उसकी दादी जी वृद्ध थी और झुर्रियां पड़ी हुई थी। सी है ऑलवेज ही, और वह हमेशा से, अर्थात पिछले 20 वर्ष से, जैसा कि वह दादी जी को जानता था, शॉर्ट, छोटी सी थी वो, फैट मोटी सी थी एंड स्लाइटली बेंड और हल्की सी झुकी हुई थी। देखो, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड, कि जैसा कि वह पिछले 20 वर्ष से जानता था, शॉर्ट थी, छोटी सी थी, फैट मोटी सी थी एंड स्लाइटली बेंड, हल्की सी झुकी हुई थी। सी वॉर वाइट क्लॉथ्स, और वह कैसे कपड़े पहनती थी, सफेद कपड़े पहनती थी। हर वन हैंड, और अपना एक हाथ रेस्टेड ऑन रखती थी हर रिस्ट, और एक तरीके से आप रिस्ट कह सकते हो, ये हर रिस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, कि देखो रिस्ट का मतलब है आप अपनी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपनी झुकी हुई कमर का, यहाँ का स्टूप का मतलब है झुकी हुई, और कमर का संतुलन बनाने के लिए एक हाथ को रिस्ट अपने पीठ के पीछे रखती थी। ओके, हर वन हैंड रेस्टिंग हर रिस्ट, और अपने जो पीठ के पीछे रखा करती थी, टू बैलेंस हर स्टू, अपनी झुकी हुई कमर का संतुलन बनाने के लिए। विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ से, सी वॉज ऑलवेज टेलिंग, और हमेशा ही, और फेरती रहती थी, बीड्स का मतलब है मोती, हर रोजरी का मतलब है भजन करने की माला। भजन करने की जो माला थी उसके मोतियों को वो हमेशा ही फेरती रहती थी दूसरे हाथ से। एंड हर लिप्स, और उसके हाथ जो उसके होंट थे, कॉन्स्टेंटली और लगातार, मुख का मतलब हिलते रहते थे, इन अयुडेबल का मतलब है अस्पष्ट, और प्रेयर का मतलब है प्रार्थना। उसके होंट थे ईश्वर की अस्पष्ट प्रार्थना में हमेशा ही हिलते रहते थे। सो इसीलिए सी वॉज ब्यूटीफुल, और इसीलिए वह सुंदर थी।